हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ तराना सक्सेना। आज हम लर्न एंजॉय पार्ट 3 में पेज नंबर 86 पर वर्क करेंगे। मोर और लेस मीन्स ज़्यादा या कम। यहाँ पे देखिए, हमें टू साइड में ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, लेफ्ट साइड और राइट साइड। एल मीन्स लेफ्ट साइड। यहाँ पे जो वर्ड एल है वो लेफ्ट साइड को डिनोट कर रहा है, जो आर है वो राइट साइड को डिनोट कर रहा है। अब देखिए, यहाँ पे लिखा है मैच द ऑब्जेक्ट्स ऑन द लेफ्ट साइड विद द ऑब्जेक्ट्स ऑन द राइट साइड एंड कलर द सेट विद द लेस नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। इसमें हमें लेफ्ट हैंड साइड पे जो ऑब्जेक्ट्स है उनको राइट हैंड साइड के ऑब्जेक्ट से ऐसे मैच करना है। देखिए, इसमें लेफ्ट हैंड साइड के ऑब्जेक्ट्स को हमें राइट हैंड साइड के ऑब्जेक्ट से मैच करना है। अब यहाँ पे देखिए कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, 1 2, तो सिर्फ टू ऑब्जेक्ट्स को हम इधर मैच करेंगे। वन और ये टू। अब इसमें देखिए, 1 2 3 4 5, इसमें 5 ऑब्जेक्ट्स हैं और यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे 3 डॉल्स हैं। तो हम 3 डॉल्स को, जिस साइड कम डॉल्स होंगी मीन्स जिस साइड कम ऑब्जेक्ट्स होंगे, हमें उन ऑब्जेक्ट्स को दूसरे साइड के ऑब्जेक्ट से मैच करना है। अब ये 1 डॉल को हम पहले मैच करेंगे, 1 2 और ये 3। ऐसे ही अब यहाँ पे देखिए किस साइड में कम ऑब्जेक्ट्स हैं, इस साइड में 1 2, तो हम इस साइड के 2 ऑब्जेक्ट्स को इस साइड के ऑब्जेक्ट से मैच करेंगे। 1 और ये 2। अब देखिए यहाँ पे कितने हेलीकॉप्टर दिए हुए हैं, 1 2 3, और इस साइड में 1 2, यहाँ पे हमें 2 हेलीकॉप्टर दिए हुए हैं। तो हम इन 2 हेलीकॉप्टर को इन में से 2 हेलीकॉप्टर से मैच कर देंगे। 1 और इससे मैच करते हैं हम 2। ये देखिए देखिए, अब क्या करना है मैं आपको एक बार फिर से बताती हूँ। जिस साइड में कम ऑब्जेक्ट्स हैं, हमें उनको दूसरे साइड के ऑब्जेक्ट से मैच करना है। अब यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट्स हैं और यहाँ पे तो 1 2 3 4, 4 ऑब्जेक्ट्स हैं, तो हमें इन 2 ऑब्जेक्ट्स को इनमें से 2 ऑब्जेक्ट से मैच करना है। अब यहाँ पे देखिए, 1 2 3, यहाँ पे 3 डॉल हैं और यहाँ पे 1 2 3 4 5 डॉल हैं, तो इसमें से 3 डॉल को, तो इन 3 डॉल को हमें इनमें से 3 डॉल से मैच करना है। ऐसे यहाँ पे 2 ड्रम्स हैं और यहाँ पे 5 ड्रम्स हैं, तो हमें इन 2 ड्रम्स को इनमें से 2 ड्रम्स से मैच करना है। सिर्फ इतना ही नहीं, ये तो अभी हमने इसको मैच कर लिया है, अब हमें इसमें कलर करना है। तो अब देखिए, इनमें से जिस साइड में भी कम ऑब्जेक्ट्स हैं, हमें उसमें कलर करना है। अब यहाँ देखिए, ये है पैराशूट, 2 पैराशूट हैं और यहाँ पे 1 2 3 4 पैराशूट हैं, तो जिस साइड कम ऑब्जेक्ट्स होंगे हमें उसमें कलर करना है। इस साइड में देखिए 2 पैराशूट है मींस कम है, तो इसमें हम कलर करेंगे। इसमें हम 2 पैराशूट्स हैं, इसमें हम कलर कर रहे हैं। सबसे पहले ही हमने इसमें कलर किया 1, ऐसे ही हम इसमें भी कलर कर लेंगे। और ये 2, ये फिनिशिंग के साथ इसमें हमने कलर कर लिया है। अब इसमें देखिए, 1 2 3 4 5, 5 1 2 3, इसमें 3 ऑब्जेक्ट्स हैं और इस साइड में कम है, तो अब हम इसमें कलर करेंगे। चलिए इसमें कलर चेंज करते हैं हम, और इसमें हम ऑरेंज कलर करते हैं। ऐसे कुछ कंपलसरी नहीं है कि आपको इसमें फिक्स कलर ही करना है।
वन, काउंट भी करते जाइए, इससे आपकी काउंटिंग अच्छी होगी। टू, और ये लास्ट में थ्री। थ्री। अब देखिए, अब नेक्स्ट में है, इसमें है वन टू, और इस साइड है वन टू थ्री फोर फाइव, तो किस साइड में कम है? लेफ्ट हैंड साइड में कम ऑब्जेक्ट्स हैं, तो इसलिए अब हम इस साइड में कलर करेंगे। अब मैं इन दोनों ड्रम में कलर करूंगी। मैं इसमें ग्रीन कलर कर रही हूँ, आप इसके अकॉर्डिंग जो भी आपको कलर अच्छा लग रहा है वो कलर कर सकते हैं। वन और ये टू, तो कितने ड्रम में हमने कलर किया? फिर से एक बार काउंट करिए आप इसको। वन टू, अब इसमें देखिए वन टू थ्री, वन टू, कितने हेलीकॉप्टर हैं ये? इधर थ्री है और इधर टू है, तो किस साइड में कम है? इस साइड में। तो अब हम इसमें कलर करेंगे। इसमें मैं कलर करूंगी पर्पल। वन और ये टू कलर, ये इसमें हो गया। इसमें बिल्कुल फिनिशिंग के साथ में कलर करना है, ये देखिए, और इसमें हमने कलर कर लिया है। फिर से मैं आपको बताती हूँ, जिस साइड में कम ऑब्जेक्ट्स होंगे हमें उसमें उस साइड में कलर करना है। कलर आप सेम कलर भी कर सकते हैं और डिफरेंट कलर भी कर सकते हैं।